छः छः सही। 50 में खुल जाएगा। अच्छा था में से हमारा कौन सा पेज था? सर, 412 है। फोर ट्वेल्व पीडीएफ का है या उसका है, किसका है? फोर ट्वेल्व जी सर, जिस बुक से हम पढ़ रहे हैं, पीडीएफ वाली। हम ये बात कर रहे थे लास्ट टाइम, अगर आपको याद हो, हमने ये कहा था कि सबसेट कंटेनिंग सिंगल एलिमेंट, ये एस है, ये क्या है आपका एस, इसके सारे लीनियर कम्बिनेशन अगर आप बनाए वो बेसिकली इस शक्ल का बन जाता है। ऐसे जी ही सर, वो तो जो लीनियर कम्बिनेशन जो इस शक्ल का बन जाता है, और यानी कि एल एस जो है वो इसके बराबर आया था, और ये क्या बन जाती है, सबस्पेस बन जाती है। तो बेसिकली ये इस एलिमेंट ने उस सबस्पेस को जनरेट कर दिया है, यानी कि हम बेसिकली ये रिजल्ट पढ़ते हैं ना यहाँ पर, यहाँ मैं जरा बड़ा कर लूँ, कल हमारी क्लास नहीं हो सकी, इसका मुझे बड़ा दुख है। द लीनियर स्पैन एल एस ऑफ एनी सबसेट एस ऑफ ए वेक्टर स्पेस इज ए सबस्पेस ऑफ वी जनरेटेड बाय एस। लीनियर स्पैन कहते हैं एस का लीनियर स्पैन जो होता है, एस का जो लीनियर स्पैन क्या होता है, सेट ऑफ ऑल लीनियर सेटअप कॉम्बिनेशन, सेट ऑफ ऑल जी लीनियर सर। कॉम्बिनेशन ऑफ आर्बिट्री फाइनाइट सबसेट, यानी कि सेट एस के तम एलिमेंट्स के जो लीनियर कॉम्बिनेशन जो हम बना लेते हैं। इससे ऊपर भी एक और बात है, वो ये है कि लेट वी एफ बी वेक्टर स्पेस एंड एस बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ वी, then the linear span of S is the set of all linear combination of finite sets of the elements of S, finite sets of elements of S। हमने ये जो जुमरा लिखा हुआ ना, finite sets of elements of S, ये this is very important, क्योंकि S जो है वो non empty तो है, मगर ये नहीं पता finite है ये infinite है, S infinite भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन हमने जो combination लेने वो n elements के लेने, n elements की शक्ल में नजर आएगा हमें, ठीक है। तो basically linear combination of finite sets of elements of S एंड इज डिनोटेड बाय एल एस, समझ आ रही बात मेरी? और लीनियर जी सर, कम्बिनेशन क्या होता है, वो लीनियर कम्बिनेशन ये होता है, समझ आ रही बात मेरी? लेट वी एफ बी द वेक्टर स्पेस इफ अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एन बिलोंग टू वी, देन द वेक्टर वेयर ए वन ए टू ए एन बिलोंग टू फील्ड इज कॉल्ड द लीनियर कम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर दिस। क्योंकि वो कहता है कि बात यह है कि एफ से जो आप एलिमेंट लेते हैं, और एक सेकंड जरा, अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एन एलिमेंट लिया और एफ से ए वन ए टू ए एन एलिमेंट लिया, तो इनको जो इनका जो ये जो कम्बिनेशन है, ये कम्बिनेशन जो है ये फिर दोबारा एक रिजल्ट आपको दे देगा, और वो रिजल्ट कहाँ पर आएगा आपका, वी से एलिमेंट वेक्टर बन जाएगा। ये कोई बता सकता है आप में से कि वी ये वेक्टर वी से ही क्यों बनेगा, ये ऐसे क्या ऐसा क्यों लिखा है उन्होंने, कोई बता सकता है आपको? आप इतने सर जो लीनियर कम्बिनेशन हम लिखते हैं इधर, तो इनका जो ए वन अल्फा वन, ये सर स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो जाती है ना, तो हाँ, फिर शाबाश ये शाबाश 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 शाबाश, बिल्कुल सही। ये ऐसे है जैसे कि हम एफ क्रॉस वी से वी पे जा रहे हैं हम, जी ये सर। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में तो जाना तो वी में है ना, क्योंकि वी एफ क्या है, वेक्टर स्पेस है। गुड, जी सर, शाबाश, बिल्कुल सही कहा आपने, ठीक है। तो उसके बाद फिर हमने कहा कि हम वी एफ जो है हमारे पास वेक्टर स्पेस है, एस उसका नॉन एम्प्टी सेट है, देन द लीनियर स्पैन ऑफ एस इज द सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनाइट सेट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस एंड इज डिनोटेड बाय एल एस। ये सेट है बेसिकली, ये क्या है सेट, इसमें क्या है लीनियर कॉम्बिनेशन पड़े हुए हैं, कैसे फाइनाइट सेट्स ऑफ एलिमेंट एस से लेते हैं और फिर उतने ही एलिमेंट एफ से ले लेते हैं बारी बारी करके मुख्तलिफ किस्म के,
ये सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन जो है हमारे पास, ये हमारे पास जो है ये बन जाता है, ये जो सेट बन जाता है एल एस, दिस इज कॉल्ड द लीनियर स्पैन ऑफ एस, लीनियर स्पैन ऑफ एस। ठीक है, अब वो कहता है लीनियर स्पैन ऑफ, लीनियर स्पैन जो होता है ऑफ एनी सबसेट एस ऑफ ए वेक्टर स्पेस वी, कहता है इज ए सब स्पेस ऑफ वी, कहता है ये वी का सब स्पेस बन जाता है जनरेटेड बाय एस, इज ए सब स्पेस ऑफ वी जनरेटेड बाय एस, इज ए सब स्पेस ऑफ वी जनरेटेड बाय एस, यानी कि एल एस इज इक्वल टू एस। कहता है ये जो ये एस क्या है, ये बेसिकली सेट के लिए हम जो कहते हैं ना कि हमने पीछे पढ़ा था शायद कि द लीनियर स्पैन एल एस ऑफ एनी सबसेट एस ऑफ ए वेक्टर स्पेस बी एफ इज ए सब स्पेस ऑफ वी जनरेटेड बाय एस, एस से जनरेटेड वाली होने वाली सब स्पेस को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, या ब्रैकेट लगाते हैं या फिर वो जो नहीं ओपन इंटरवल वाली, ओपन इंटरवल वाली लगाते हैं, आप समझ आ रही बात। ऐसे ऐसी सब स्पेस जनरेटेड बाय एस जो होती है वो ऐसे रिप्रेजेंट की जाती है। ठीक है बेटा, सब स्पेस जनरेटेड बाय दिस, तो यहाँ उसने कहा कि ये एस से बनने वाला लीनियर स्पैन जो होता है, लीनियर स्पैन फॉर एनी सबसेट ऑफ एस ऑफ वेक्टर स्पेस इज ए सब स्पेस ऑफ वी जनरेटेड बाय एस। कहता है ये लीनियर स्पैन जो होता है ये सब स्पेस बन जाता है, और ये क्या होता है, ये एस से बनने वाली सब स्पेस के बराबर आ जाता है। ठीक है जी, यही मतलब है ना इस बात का। हेलो जी, जी सर। ठीक है, उसके बाद फिर वो हमें ये कहता है कि ये सारी चीज हमने पढ़ ली थी, कहता है कि ये जो होता है द सबसेट कंटेनिंग ए सिंगल एलिमेंट ऑफ द वेक्टर इज जनरेट जनरेट द सबस्पेस व्हिच इज द टोटलिटी ऑफ द एलिमेंट। कहता है इस एस जो है वो ये है, एस क्या है वो ये है, एस क्या है आपके पास ये। कहता अब इससे बनने वाले जो लीनियर कॉम्बिनेशन बन जाते हैं, वो लीनियर कॉम्बिनेशन जो एल एस बन जाता है, वो एल एस क्या होता है बेसिकली, वो क्या है वो ये है, और ये क्या है बेसिकली, ये सबस्पेस है, ये एस से ओपन इंटरवल के साथ बनने वाली ये सब स्पेस है, तो एल एस जो है वो इसके बराबर आ जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है सर? आपने कहा था कि जो इसका लीनियर स्पैन है वो एस के बराबर आ जाएगा। ये देखो मैंने ये कहा था, नहीं नहीं बात नहीं समझ रहे आप, बात नहीं समझ रहे। ये देखिए मैंने अभी ऊपर एक बात फिर दोबारा रिपीट करता हूँ मैं, ये देखें आगे चले गए। मैंने कहा था एल एस जो है ये इसके बराबर आया था, ये कह रहे ना जी सर? ये एस नहीं है भाई, ये एस से जनरेट होने वाली सब स्पेस है जी सर, सब स्पेस। हाँ ये जो ब्रैकेट लगी हुई है ना, ब्रैकेट या ब्रैकेट लगा लो या छोटी ब्रैकेट लगा लो, वो नहीं होती जो ओपन इंटरवल के लिए लगती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं बेसिकली ये कहना चाहता हूँ आपको, मैं जो कहना चाहता हूँ ये कहना चाहता हूँ ये है एस, इसके जो इसका जो एल एस बनेगा, एल एस वो बेसिकली ये बनेगा ये, और ये क्या है बेसिकली, ये बराबर है एस और छोटी ब्रैकेट, यानी कि ये बेसिकली जो चीज बनी है ये क्या बनी है, बेसिकली सब स्पेस बन गई है एस से बनने वाली सब स्पेस, और सब स्पेस की रोटेशन क्या है, एस के इर्द गिर्द एक ब्रैकेट लगा दी ओपन इंटरवल वाली, वो ये बन जाएगी। जी सर, हो गया क्लियर। ठीक है, इसी तरीके से ये जो है ये एस है, ये क्या है एस, इस एस से जो एल एस बनेगा, एल एस क्या, इस एस को एफ फील्ड के एलिमेंट से लगाने, फील्ड का एलिमेंट एक यहाँ लगाया, एक यहाँ लगाया, जमा दरम्यान में प्लस आ गया, फिर दूसरा फील्ड का एलिमेंट फिर यहाँ लगाया फिर प्लस आ गया, इस तरह करके जो आप बना रहे हैं वो सारा एल एस जो बनेगा वो क्या बनेगा, वो सबसे ये जो एस है, ये एस इस एस से सबसे ये करेगा जनरेट करेगा सब स्पेस को, उस सब स्पेस का नाम क्या होगा, एल एस, और वो एल एस जो होगी वो किसके बराबर आ जाएगी, वो इसके बराबर आ जाएगी, और ये क्या चीज है बेसिकली स्मॉल एस से बनने वाला सब स्पेस। मेरी बात समझ आ रही है, लिख के बताऊं आपको? सर बता दे। ये जरा आप पीडीएफ से याद रखना, मुझे लिखवाना क्या क्या लिखा था इसमें। ठीक है, समझ आ रही है बेटा? जी सर। ये देखें आपका एस क्या है इस केस में, सर एस है उसका जो पहला एलिमेंट है 100, वन कॉमा
जीरो कॉमा जीरो और दूसरा कौन सा है? सर स्क्रीन में शो हो रही, बेटा सबर तो करो, दूसरा कौन सा है? सर दूसरे वाला 010। ये है हमारा एस। जी ये बात समझ आ गई? जी सर। ये है एस। अब हम क्या करेंगे? सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन एल एस। वो जो एल एस होगा वो किस शक्ल का होगा? इस शक्ल का होगा। इसका नाम मैंने रख दिया अल्फा पर्टिकुलरली। ठीक है बताएं, सही बताओ। सर आपने, सर आपने मीटिंग को रिकॉर्डिंग पे नहीं लगाया हुआ? शुक्र है बेटा आपने याद दिला दिया। बता दिया करो यार, प्लीज बता दिया करो। मैं रिक्वेस्ट किया आप सबसे कि रकात बता दिया करो, लेकिन आप लोग पता है कैसे हैं, समझ से बाहर है। क्लास आधी क्लास खत्म हो गई, अब आप याद दिला रही है कि सर रिकॉर्डिंग पे नहीं लगाया। मैंने आप सबसे रिक्वेस्ट की है कि मुझे बता दिया करें सर रिकॉर्डिंग पे लगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही ज्वाइन किया है, मेरे लाइट ऑफ थी। यार तुम क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है तुम्हारा? तुम बोल रहे थे क्या नाम है तुम्हारा? उजैर सर। उजैर तुम्हें तौफीक नहीं है बताने की? तुम नहीं बता सकते क्या? मैंने देखा नहीं था भाई, मैंने आपके जिम्मे लगा दिया है कि आपने मुझे बताना है कि सर रिकॉर्डिंग पे लगाए। मैंने पूरी क्लास को कह दिया है, तो आप लोग बता भी नहीं सकते क्या? इस तरह के एलिमेंट मौजूद होंगे सच दैट ए कॉमा बी ये बिलोंग कर रहा होगा किससे? फील्ड से, जो भी फील्ड होगी। क्या ख्याल है इस टाइम? ना वेक्टर स्पेस जो भी है वट एवर, ये बेसिकली आर थ्री से आ रहे हैं एलिमेंट। और फील्ड कहाँ से ले रहे हैं आप? और फील्ड जो है वो आप जो भी ले रहे हैं, देखते हैं सवाल में क्या लिखा हुआ। ये बेसिकली एल एस है, सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन। कहता है ये सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन जो है ये बेसिकली सबस्पेस बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? सबस्पेस बन जाएगा। और ये जो सबस्पेस बन रही है, ये सबस्पेस किसके बराबर आ रही है? ये सबस्पेस जो है वो बराबर आ रही है किसके बराबर? वो आ रही है आपके इसके, इस ये जो एस है एस, इसके बराबर आ रही है ये, इस एस के। एस के बराबर नहीं आ रही, एस से जनरेट होने वाली सबस्पेस जो है उसके बराबर आ रही है। एस से बनने वाली, एस से जनरेट होने वाली जो सबस्पेस है वो किसके बराबर है? वो बराबर है इसके, इसके बराबर। वो क्या था भाई? सर एल ऑफ एस। एक मिनट, ये अब दोबारा गौर से सुने। ये एस था, सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन बना लिए। सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन जो होगा वो क्या होगा? एस से बनने वाली सबस्पेस के बराबर आ जाएगा। मगर एस से बनने वाली सबस्पेस क्या है? वो ये है। ये क्या है बेसिकली? इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये देखें जरा, दिस इज इक्वल टू, एक सेकेंड, ये क्या है बेसिकली? इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ऐसे इस तरह लिखा जा सकता है। और सच दैट दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर।
अब देखो ना बात ये है, फील्ड के एलिमेंट यहाँ मल्टीप्लाई करो, यहाँ मल्टीप्लाई करो, उनको ऐड करो, तो यही शक्ल बनेगी और क्या बनेगी। बताओ, जी सर। फील्ड के एलिमेंट जो है उठा के यहाँ मल्टीप्लाई करो, इधर मल्टीप्लाई करो और दोनों को ऐड कर दो, मतलब ये शक्ल बनेगी। ये शक्ल सिंपलीफाई होके भाई यही शक्ल बनती है। अब जी इसमें सर, बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये थी कि ये जो एल एस जो है, ये जिस सब स्पेस के बराबर आ रहा है, वो सब स्पेस खुद वेक्टर स्पेस नहीं है बल्कि उसका छोटा सेट है। जी समझ आ रही बात? सर, अच्छा आप आगे देखिए जरा। अब कहता है ये जो सेट एस है, ये जो है जो जिस ये जनरेट करता है, स्पैन करता है पूरी इंटायर स्पेस को, पूरी इंटायर स्पेस को जनरेट कर देता है वी को। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एस है, इससे बनने वाला जो लीनियर स्पैन होगा, वो लीनियर स्पैन जिस वेक्टर स्पेस को जनरेट करेगा वो खुद इटसेल्फ बन जाएगी, ये वाली V3F खुद बन जाएगी। मतलब क्या बन जाएगी, यानी कि मतलब क्या बन जाएगी, एल एस जो है वो जिस सब स्पेस या स्पेस के बराबर एस के बराबर आएगा, वो स्पेस एस क्या है बेसिकली, वो खुद V3F है। बात समझ आ रही है जी सर। जी यार? आपको समझ आ रही है बात? जी सर। अब देखें उसने कैसे सपोज प्रूफ कैसे किया। उसने कहा कि भाई कैसे किया, कहता कि ए बी सी पी एलिमेंट ऑफ वी ले लिया, ए बी सी को आप ऐसे लिख सकते हैं, ए बी सी को ऐसे लिख सकते हैं ना। बताओ जी सर, इनका काम जब हो जाएगा तो ABC का वापस ये आ जाएगा ना, ये क्या, ये तो लीनियर जी। कॉम्बिनेशन है, ये इसका मतलब है ये लीनियर कॉम्बिनेशन है, ये सारी चीज कहाँ चली गई? ये सारी चीज। अब मैं आपको बात शेयर करता हूँ आपके साथ ना, मैं कल चला गया मस्जिद, रात को गया हूँ मैं मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए, बाजमात इशा की, मगरिब की पढ़ी, इशा की पढ़ी, फजर की पढ़ी, मुझे नजला शुरू हो गया। हालांकि मुझे कोई नजला नहीं था, सर आप मास्क नहीं पहन के गए? बस मास्क पहन के नमाज नहीं पढ़ी जाती ना, तो ये मुझसे गलती होगी। कह रहे हो मुझे छींके आ रही है, मेरा गले में कुछ मसला मुझे शुरू हो रहा है, मैं समझ नहीं आ रही क्या करूं, पानी बह नहीं पी सकता, मैं रोता है मेरा। इसलिए मैं जोहर की नमाज बाजमात पढ़ने नहीं गया। कल तक ठीक था मैं बिल्कुल ना। अच्छा खैर देखें, हमने कहा कि इस तरह ये क्या, ये तो लीनियर कॉम्बिनेशन है, ये लीनियर कॉम्बिनेशन कहाँ जाएगा, एल एस में। अगर ये चीज एल एस में चली गई तो ये भी चला जाएगा एल एस में, ए बी सी, तो इसका मतलब है वी एल एस में चला गया। लेकिन एल एस तो हमेशा वी में होता है ना, लीनियर कॉम्बिनेशन सारे बन के कहाँ जाते हैं, वी में जाते हैं, बड़े बड़ी वेक्टर स्पेस होती है ओरिजिनल उसमें चले जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो एल एस है वी के बराबर आ रहा है, यानी कि एल एस क्या होता है बेसिकली एस से जनरेट होने वाली, यानी कि एल इस केस में क्या हो रहा है, जरा गौर से सुनिएगा, सुन रहे हैं? जी सर, सुन रहे हैं। होता क्या है जरा गौर से सुनिएगा, ये देखिए होता ये है कि ये जो एल एस होता है ना, एल एस बात सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये समझ आ गई तो कहानी खत्म है, फिर हर चीज आपको समझ आ जाएगी, कोई टेंशन नहीं है फिर, अगर ये बात समझ आ गई जो जुमला मैं लिख रहा हूँ। कहता है ये जो एल एस जो है वो बेसिकली किसके बराबर होता है, एल एस जो है वो एस से ही बनने वाली जो स्पेस होती है उसके बराबर आता है हमेशा। एल एस हमेशा सब स्पेस होता है, सब स्पेस स्पेस भी तो हो सकती है ना, सब ग्रुप ग्रुप भी तो है ना। जी सर, इसी तरह ये कहता है एल एस जो है वो बेसिकली सब स्पेस बना रही है किसके बराबर, एस से बनने वाली सब स्पेस। लेकिन अभी जो हमने पढ़ा है इसमें जो एस से बनने वाली सब स्पेस है वो किसके बराबर आ गई, पर्टिकुलरली वी के बराबर आ गई। बराबर क्या ख्याल है, समझ आई उधर? जी सर, हो गया क्लियर ये जो है ही। क्या नाम है, ये जो है लड़की तुम्हारी क्लास वालों, इसको समझ आइए क्या नाम है तुम्हारा, ये जो जी आर है, मेरा हामी जी आर, जी आर। जी सर, जी सर, जी अच्छा सर, एक बात समझ आ बताएं, ये आप एक बड़ा आजकल क्लिप जो है वो ऑनलाइन हुआ पड़ा है, हर तरफ मैं देख रहा हूँ कि जनाब वो बच्चे कह रहे हैं हसन मान साहब से कि सर हम क्या कर सकते हैं, ये असाइनमेंट सारी मुख्तलिफ होती हैं, तो वो कह मैं क्या करूं मर जाऊं, ये क्या, फिर आप आगे से कह रही हैं यस सर, ये क्या बात है, ये क्या किया, किसने किया ये?
सर देखे सर, वो बात मेरा फुल सेंटेंस कोई और था, उन्होंने एडिटिंग की हुई है उसमें किसने एडिटिंग की है? सर, मॉर्निंग वालों ने। नहीं, उनके पास कहाँ से चला गया वो? उनके पास कैसे चला गया? वो मॉर्निंग इवनिंग सारे इकट्ठे लेते हैं क्लासें? जी कंबाइन होती सर, है अब भी? कंबाइन होती है? जी जी सर, सर। अच्छा, फिर बड़ी बड़ी बात है, अगर कंबाइन होती है फिर हम भी कंबाइन लेना शुरू कर दें। जी सर। मैं सर रमजान रमजान में तो हमने खुद रिक्वेस्ट करनी थी कि आप मॉर्निंग में ले लें सर, इस नहीं टाइम मॉर्निंग नमाज भी पढ़नी होती है नहीं, वही मैं में। मॉर्निंग के टीचर मुख्तलिफ है ना, मैं उनके साथ क्लास कैसे ले सकता हूँ? ठीक सर, मैं मॉर्निंग मैं हाँ मेरी जो और क्लासें हैं वो मैं ले सकता हूँ साथ में, मॉर्निंग इवनिंग कंबाइन करता हूँ। ये बात आइडिया सही है, अच्छा आइडिया है ना, ये ऐसा करते हैं, रमजान रमजान कर लेते हैं, क्योंकि वो तो शुरू दिन से कंबाइन पढ़ा रहे हैं। क्या ख्याल है? ऐसी है? जी सर। सर फर्स्ट क्लास में सर ने कहा था कि शायद अब मतलब मॉर्निंग इवनिंग की क्लासेस सेपरेट हों, लेकिन फिर से हम कंबाइन ही लेते हैं। आपका और कौन सा कोर्स है आपका? वो फंक्शनल कौन पढ़ा रहा है? सर मैम शाजिया वो सेपरेट ही लेती हैं, और मैथमेटिकल मेथड भी मैम सेपरेट ही लेती हैं। मैथमेटिकल मेथड कौन पढ़ाता है? सही। डॉक्टर खतीजतुल कुबरा। अच्छा ठीक है, आगे चलें। लीनियर सम ऑफ टू स्पेसेस कहते हैं, लेट W1 W2 B2 सब स्पेस वेक्टर स्पेस V है, देन द लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेसेस W1 W2 डिनोटेड बाय दिस इज द सेट ऑफ सम। कहता है कि W1 W दो आपके पास सब स्पेसेस हैं, इनके सम से क्या मुराद है? इनके सम से मुराद है α1 प्लस α2 सच दैट α बिलोंग टू W1 एंड α2 बिलोंग टू W2। आपको बताना है कि हम वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स को W या V के एलिमेंट को अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, फील्ड के एलिमेंट को ए बी सी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? तो ये दो जी सर, सम जो है इस तरह हमने डिफाइन कर लिया। फिर वो कहता है कि अगर ये दो सब स्पेसेस हैं और वेक्टर स्पेस वी है, तो कहते हैं सम भी जो है वो भी क्या सब स्पेस ऑफ वी एफ बन जाता है। सम क्या बन जाता है? सब स्पेस ऑफ वी एफ बन जाता है, ठीक है? ठीक है, और ये जी आपने सर, प्रूफ पढ़ना है, ये प्रूफ पढ़ना है आपने, ठीक है? और सेकेंडली कहता है W1 W2 जो है बेसिकली वो जो सब स्पेस बनता है, ये सब स्पेस किससे जनरेट होता है? इससे जनरेट होता है, इसके यूनियन से। आपको पता ना, ये जनरेट की नोटेशन है। क्या ख्याल है? जी सर, स्पेंड और जनरेट। हाँ बिल्कुल, ये हाँ, यहाँ हम ओपन इंटरवल जैसे मैंने अभी लिखा था उस तरह लिखते हैं ना, ओपन इंटरवल, जी सर, ठीक है? तो लिहाजा अब, लेकिन ये जो होता है ये बराबर होता है LS के बराबर होता है, तो इसका मतलब LS इसके बराबर हो गया, इसके बराबर। मेरी बात समझ आ गई? बताएं, जी सर, ये रिपीट कर दें क्या बोला आपने? मैंने कहा W1 W2 सब स्पेस जो है वो बेसिकली सम, इनका सम सब स्पेस बन जाता है। तो वो कहता है ये जी सब सर, स्पेस जो बन रही है वो बेसिकली दोनों के यूनियन से स्पैन हो रही है। जी सर, कोई भी सब स्पेस होती है वो कैसे स्पैन हो रही है, वो उसने बताया कि ये W1 W2 जो है इनका सम सब स्पेस बन गया। अगर ये सब स्पेस है तो ये जनरेट किससे हो रहा है? तो हमने कहा इनके यूनियन से जनरेट हो रहा है। अगर ये जनरेट हो रहा है, जनरेट तो बराबर होता है लीनियर स्पैन के, जनरेट लीनियर स्पैन के बराबर नहीं होता? जी ये सर, जनरेटिंग। जनरेट की जो नोटेशन होती है ना, ये जो ओपन इंटरवल की नोटेशन, ये लीनियर स्पैन के बराबर होती है। जी सर, समझ आई बात? तो लिहाजा ये जी चीज सर, जो है, ये चीज इसके बराबर है, और ये चीज जो है वो किसके बराबर है? बेसिकली ये चीज जो है वो किसके बराबर आ जाएगी? एल एल के। तो एल के बराबर आए तो ये बराबर हो गया एल वाली चीज के, ये आ गया इस तरह। नहीं समझ आई? जी सर, हो गया क्लियर। ठीक है सर ना? आपने कहा ना कि सर आपने कहा कि जो लीनियर स्पैन एल एफ एस होता है वो सम स्पेस जनरेटेड जो होती है उसके बराबर होता है। हाँ, वो नोटेशन होती है ना बेसिकली एस और उसके जी इर्द ओपन इंटरवल इस तरह के बराबर होती है ना, तो ये ओपन इंटरवल ही है ना ये जो बना हुआ, ये क्या ख्याल है? जी सर, नहीं समझ आई? दोबारा बताऊं? रिपीट कर दें एक दफा वैसे। जी सर, बता दें। मैं बेटा ये कहना चाह रहा हूँ कि ये देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं कहता हूँ एल एस जो होता है वो इसके बराबर होता है। ये नजर आ रहा है? ये जी अच्छा, आप जरा गौर से देखिएगा, ये देखिए जरा। वो कहता है कि W1 सर,
ये देखें जरा, W1 प्लस W2 W1 W2 जो है वो बेसिकली उसने कहा है कि ये सबस्पेस बनता है, और ये सबस्पेस कैसे बनता है उसने ये बताया है, वो ऐसे बनता है। इस तरह समझ आ रही है, ऐसी है। बोलो यूनियन सेंटर में, सॉरी मैं बताता हूँ, सॉरी यूनियन, ए यूनियन, ये यूनियन, ठीक है बताओ। अब देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो वो ये है कि ये जो चीज होती है ये स्पैनिंग बाय दिस, ये बराबर होता है एल क्या ख्याल है, सही है जी सर, ठीक। तो ये चीज बराबर आ गई इसके, यही शो करना चाहते हैं ना जी सर, यानी यस सर, आप समझ आ गई जी सर, ये जो आप जी आर आपको समझ आता है कोर्स है, मुश्किल कोर्स है, समझ आता है या नहीं आता? जी आर जी सर आ जाता है, समझे मुश्किल है, तो मुश्किल है जी सर, मुश्किल तो है। मॉर्निंग वाले क्या पढ़ रहे हैं, कुछ अंदाजा है उनका, वो कैसे पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? जी सर, मेरी मॉर्निंग की जीआर से बात हुई थी तो वो बता रही थी कि उन्हें कोई न्यू टीचर पढ़ाते हैं, वो वेक्टर स्पेस वगैरह, वो कह रही थी कि पहले तो हमने थोड़ा थोड़ा पढ़ा था ना अलजेब्रा 1 में, तो वो इस दफा बहुत अच्छे से ब्रीफली उन्हें सब पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? सर वेक्टर स्पेस वगैरह वो कह रही थी, इतनी थोड़ी सी मेरी बात हुई थी उससे कि आपने अलजेब्रा का कितना पढ़ा। उससे पूछो ना कितना पढ़ा है, कहाँ तक पहुंचे हैं, वो ये पूछो जरा। ओके सर, तो ये क्या नाम है आपका, ये प्रूफ पढ़ना है आपने, सुन रहे हो, चीजें जी सर, आपको समझ में आई हुई है, आप पढ़ सकते हैं प्रूफ जी सर, उजैर, और आपने प्रेजेंट करना है ये, ठीक है। ओके थ्योरम नेक्स्ट थ्योरम जो है वो हम बात करके फिर आगे चलते हैं, ये कहते हैं लेट एस टी बी आर सबसेट, क्योंकि हम बात ये कि हम जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता ऑनलाइन की तरफ, वो मुझे लगा ऐसे ना जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा, तो इतने बड़े बड़े थ्योरम कुछ पढ़ेंगे कुछ नहीं पढ़ेंगे, क्या ख्याल है? अगर फिजिकल जी होता फिर सर, तो मैं एक एक चीज कराता आपको हाथ से, जी क्या सर, कहते हो? जी सर, ठीक, तो जी यार यस आप सर, बताओ गलत कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, आप बताएं मुझे, करेक्ट करें आप। नहीं जी सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप सर, जब हमने देना ही पेपर ऑब्जेक्टिव है तो तो देखें जरा, इफ एस टी आर सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस और एस जो है टी का, आपको पता ना कि हम जो सेट ऑफ ऑल लीनियर कम्बिनेशन की बात करते हैं एल एस की, वो एस के सबसेट के ऊपर बात करते हैं, एस वी का सबसेट होता है उसके ऊपर एल एस की बात करते हैं, ऐसी है ना, जी है ना उजैर, ऐसी है ना। सर, के वेक्टर्स के साथ लीनियर कंबिनेशन लेते हैं हाँ सबसेट मतलब कहने स्पेस के में, वो जो एस होता है वो वी का सबसेट होता है, वेक्टर स्पेस का सबसेट होता है एस, फिर उसके एल एस की बात करते हैं। बेटा क्या नाम है तेरा उजैर, बेटा जरा जल्दी जी सर, जल्दी बोला कर यार, जल्दी जवानों की तरह बोला कर यार, मेरा रोजा गला है, मैं बोल रहा हूँ खराब आपको पता नहीं क्या हो रहा है यार, है, थोड़ा सा बोल। गला खराब सर, थोड़ा सा गला खराब है अच्छा इसलिए। देखें इफ एस टी आर जी आर आपको अगर समझ आती है बेटा आप मेरे साथ बोल लिया करें, ओके अभी भी आप भी 1 घंटे बाद आग जाके बोलिए ओके सर, या तो आपको आवाज लेट पहुंच रही है, क्या हो रहा है? अच्छा देखें, इफ एस टी आर सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस एफ वी एफ देन एस कंटेन इन टी इम्प्लाइज दैट एल एस कंटेन इन एल टी, कहता है अगर आपके पास एस टी सबसेट हो वेक्टर स्पेस के और अगर एस टी का सबसेट हो, तो एस से बनने वाला लीनियर स्पैन जो होगा वो भी एल टी से बनने वाला लीनियर स्पैन के सबसेट बन जाएगा, समझ आ रही बात सर, नहीं? जी सर, और अगर आपके पास दो सेट, दो सबसेट एस और टी सबसेट है, उनका लीनियर स्पैन, उनके यूनियन का लीनियर स्पैन किसके बराबर होता है, लीनियर स्पैन ऑफ एस प्लस लीनियर स्पैन ऑफ टी, कहता है लीनियर स्पैन ऑफ एस का फिर दोबारा लीनियर स्पैन ऑफ एस लिया जाए तो वो लीनियर स्पैन ऑफ एस आता है, ठीक है।
ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू देखना, लेकिन इससे पिछला वाला आपने मुझे समझाना है उजैर। जी सर करके आऊंगा। ठीक है, आज के लेक्चर की आखिरी डेफिनेशन हमारे पास है लीनियर इंडिपेंडेंट डिपेंडेंस एंड लीनियर इंडिपेंडेंस क्या होती है। लीनियर डिपेंडेंस क्या होती है, लेट वी एफ वी वेक्टर स्पेस ए फाइनाइट सेट ऑफ वेक्टर्स ऑफ वी इज सेड टू बी लीनियर डिपेंडेंट इफ देयर एग्जिस्ट स्केलर ए1 ए2 एन बिलोंग टू एफ नॉट ऑल ऑफ देम जीरो सम ऑफ देम मे बी जीरो सच दैट दिस इज इक्वल टू जीरो। मतलब क्या इस बात का कहता है कि आप क्या करते हैं कि आपके पास कोई वेक्टर स्पेस है, आप क्या करते हैं वेक्टर स्पेस से वेक्टर ले लेते हैं फाइनाइट वेक्टर्स अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एन। ठीक है, सारी बात है। तो ये जो वेक्टर्स होते हैं कहते हैं ये लीनियरली डिपेंडेंट कहलाते हैं। कब कहलाते हैं, अगर हम कुछ स्केलर फाइंड आउट कर सकें, ऐसे स्केलर फाइंड आउट कर सकें कि इनका जब लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया जाए तो ये जीरो वेक्टर के बराबर आ जाए। जी सर, और ऐसे बहुत सारे मिल सकते हैं, हम आगे जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, समझ आ रही बात है। और इसमें कंडीशन ये है कि ये जो ए आई है ना, ए आई जो हमने लिए हैं फ्यूल से, ये सारे जीरो नहीं होंगे। इनमें से हो सकता है, अगर ये फर्ज करें एन है, एन में से एन माइनस वन जीरो है, एक नॉट इक्वल टू जीरो, फिर भी इनका सम ले तो आंसर जीरो आ रहा है। जी सर। और इसके बाद जो है वो इंडिपेंडेंट क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट में यही डेफिनेशन है, बफर कितना है कि आपके पास ये जो कम्बिनेशन जो बनाया लीनियर, इसे हम कहते हैं लीनियर, क्या लीनियर कम्बिनेशन कहते हैं ना इसे, लीनियर कम्बिनेशन का सम जो है ऐसे है ना सर, लीनियर कम्बिनेशन। जी सर, लीनियर कम्बिनेशन। हाँ, लीनियर कम्बिनेशन जो है वो अगर जीरो के बराबर आता है तो इससे ये इम्प्लाइज हो जाता है कि सारे फील्ड के एलिमेंट जीरो है। सारे फील्ड के एलिमेंट क्या है, जीरो। जीरो, ठीक सर। इसका मतलब कि तमाम फील्ड के एलिमेंट्स के लिए जो लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे वो जीरो है। यानी कि ये सम अगर जीरो आ रहा है तो बेसिकली इससे इंप्लाइज ये जीरो हो रहा है कि जनाब सारे एआई जो है वो जीरो है। लेकिन ऊपर क्या था कि सारे सम जो जीरो आ रहा था वहां से जब हमने इंप्लाइज किया तो सारे एआई जो है जीरो नहीं थे, कोई एक आध नॉन जीरो था, लेकिन फिर भी सम जीरो आ रहा था। जी सर, समझ आ रही बात है। अब इसको ये ना समझे कि यहाँ पर ए वन ए टू ए थ्री है ही जीरो, नहीं, इसका मतलब यह है कि ये सम जब जीरो के बराबर आके जब इसको सिंपलीफाई करते हैं तो ए वन ए टू ए थ्री जीरो के बराबर आना शुरू हो जाते हैं, ये मतलब है इस बात का। जी सर, ठीक। इसका मतलब ये नहीं है कि फील्ड से सारे जीरो उठा के यहाँ रख दिए, ये मतलब नहीं है इस बात का। जी सर, ठीक। कहता है एनी इनफाइनाइट सेट ऑफ वेक्टर स्पेस बी सेट टू बी लीनियर इंडिपेंडेंट इफ इट्स एवरी फाइनाइट सबसेट इज लीनियर इंडिपेंडेंट अदरवाइज इट इज लीनियर डिपेंडेंट। कहता है कोई भी इनफाइनाइट सेट जो होगा वो लीनियर इंडिपेंडेंट होता है, अगर उसका हर सबसेट फाइनाइट हर सबसेट जो है लीनियर इंडिपेंडेंट हो तब वो लीनियर इंडिपेंडेंट होता है, अदरवाइज वो लीनियर डिपेंडेंट होगा। क्या ख्याल है सर, रिपीट कर देंगे फिर इसको। उसने कहा कि अगर आपके पास कोई इनफाइनाइट सेट अगर लीनियर इंडिपेंडेंट है तो ये उस टाइम पॉसिबल होगा अगर हर उसका फाइनाइट सबसेट जो है वो लीनियर इंडिपेंडेंट हो जाए, अदरवाइज वो लीनियर डिपेंडेंट होगा। मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफी है, क्या ख्याल है। जी सर, ठीक, इतना काफी। जी यार, जी सर, ठीक है। मेरा पता करके बताना है कि उन्होंने कहाँ तक पहुंचे, क्या कर रहे हैं, हम पीछे हैं वो आगे हैं, क्या चक्कर है, ठीक हो गया सर। पता सर कर मैं लोगे। पूछ के आपको मैसेज करती हूँ। हाँ, पूछ के मैसेज कर दो मुझे। ठीक सर, मिड का कोई आइडिया है, रमजान में तो नहीं हो रहे। पता नहीं, कोई पता नहीं है। ठीक अच्छा, है सर, आपने ये भी मुझे याद दिलाना हुआ करेगा कि सर स्नैपशॉट ले लें, मैं स्नैपशॉट भी लेना भूल गया हूँ आज। ओके सर, जी यार, ये तुम्हारा काम है। सीआर तो पता कहाँ भागा हुआ, उसका तो पता नहीं दिल ही नहीं है पढ़ने का, वो कर क्या रहा है, हमारी मेरी समझ में तो नहीं आ रही। सर पिछले दिनों तो उनका एक्सीडेंट हुआ था, मैसेज आया था। ये आप याद दिलाए उजैर, आप याद दिलाए, पूरी क्लास याद दिलाए करे। ठीक है, जी क्लास स्ट्रेंथ कितनी है आपकी, 59। 59 है, लोग 19 हैं सिर्फ और सिर्फ, देख लें ये सारी सूरत हाल।